शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। एयरपोर्ट शादबाग, डिफेंस शालामार, कलमा चौक, मिस्त्री शाह, मजंग, सदर कैंट, मॉल रोड, टाउनशिप, रेलवे स्टेशन के अतराफ बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में निकासी आब का निजाम मुतासिर, वहदत रोड नक्शा स्टॉप पर बारिशी पानी जमा, शहरियों को दुश्वारी का सामना। लेस्को निजाम भी जवाब देने लगा, 115 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। हंजरबाल से चार लड़कियां पुरस्कार तौर पर लापता, 8 साल समरीन, 10 साल अनम, 11 साल कनीजा, 14 साल आयशा दो रोज बाद भी वापस ना लौटी। लड़कियां 30 जुलाई को रिक्शे पर सवार होकर EMI सोसाइटी गईं। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर अरसलान, मोहल्लेदार उमर को पकड़ लिया, तफ्तीश जारी। वाकये पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर। मुआवने खसूसी शहजाद अकबर ने नजीर चौहान को माफ कर दिया। शहजाद अकबर ने MPA के हक में बयान हल्फी लिख दिया। नजीर चौहान की सेशन कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने शहजाद अकबर का मुख्तार आम मुकर्रर करने के लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सीमेंट की कीमतों में मजीद इजाफा, 10 रुपए फी बोरी कीमत बढ़ गई। दो रोज में सीमेंट की बोरी 25 रुपए तक महंगी। मैपल लीफ 665 रुपए, पायनियर सीमेंट 650 रुपए, बेस्ट वे 655 रुपए, लकी सीमेंट 653 रुपए फी बोरी हो गई। पंजाब असेंबली में तहफ्फुज़े इस्तेकाक बिल एक बार फिर मंजूर। ऐलान ने गवर्नर की जानिब से लगाए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया। बिल गवर्नर को दोबारा मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, बैनुसूबाई वज़राए तालीम और हेल्थ कॉन्फ्रेंस कल तलब। तालीमी इदारों में कोरोना सूरत हाल, SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में महकमा सेहत के अफसरान शिरकत करेंगे। 50% हाजिरी के तहत तालीमी सिलसिला जारी रखने पर बात होगी। कोरोना के बढ़ते वार, हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। मार्केटें हफ्ते में दो रोज बंद, कारोबारी औकाते कार रात 8 बजे तक मुकर्रर। होटल्स में बैठकर खाने पर पाबंदी आए, टेक अवे की सहूलत दस्तयाब। दफातर में निस्फ हाजिरी, उधर जिले इंतजामिया NCOC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। दुकानदारों को वैक्सीनेशन के लिए 3 दिन की मोहलत मिली। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद, 8 अगस्त के बाद अमल दरामद लाजिम। आउटडोर तकरीब रात 10 बजे तक बंद करना होगी। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल, मजारात और सिनेमा घर भी बंद। पार्क्स में बगैर मास्क दाखिला नहीं होगा। समाजी फासले का ख्याल भी जरूरी। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। जिम्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग वर्जिश कर सकेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद जौहर टाउन एल ब्लॉक में आमदोरफ्त इंतजामिया ने रास्ते बंद न करवाए। बैरियर मौजूद मगर अमला गायब। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। 50% मुसाफिर पॉलिसी पर अमल दरामद न हो सका। मॉल रोड पर जलसे जुलूस पर पाबंदी, खिलाफवर्जी पर 1 से 3 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा। हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का बिल पंजाब असेंबली को इरसाल, मंजूरी के बाद बिल नाफिजुल अमल होगा। मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर अलाबख्श GOR1 में घर पर काबिज। रिटायर्ड DMG अफसर डॉक्टर अलाबख्श मलिक ने वजीर आला से घर की अलॉटमेंट की तौसी हासिल की। महाना 1.25 लाख हाउस रेंट भी हासिल कर रहे हैं। वजीर आला ने 13 अगस्त तक अलॉटमेंट में तौसी दी, उसके बाद घर खाली कर दूंगा, डॉक्टर अलाबख्श मलिक का मौके। महकमा डाक में अफसरान के तबादलों के इख्तियार की जंग, ग्रेड 17 से 20 तक अफसरान के तबादले का इख्तियार DG के पास है। सर्कुलर के जरिए पोस्टमास्टर जनरल को आगाह कर दिया गया। आरजी इख्तियार का लेटर वापस, पोस्टमास्टर जनरल के अज खुद तबादले से इंतजामी अमूर में तजाद आ रहा है, DG का मरासला।
पुलिस वाले सोशल मीडिया को जाती हैसियत से इस्तेमाल कर सकेंगे, सरकारी हैसियत में इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहे के साथ या बावर्दी तस्वीर शेयर करना मना। पुलिस शनाख्त सरकारी इदारों के क्वाइफ शेयर करने पर भी पाबंदी। अकाउंट्स की तफसीलात HRMS में अपलोड होंगी। जाली डिग्रियों के हामिल वकला पर मुकदमात का इंदराज जारी। थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। सफदर सलीम, जावेद बशीर, तारिक रियाज, तैयब हुसैन और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके। 5 वकला का अदालत से रजू। शाहनवाज इस्माइल गुजर, तारिक रियाज और दीगर की अबूरी जमानत मंजूर। वजीर आजम की हिदायत पर बनने वाली पनागाहें गैर महफूज। पनागाहों में लगे 71% कैमरे गैर फाल, मॉनिटरिंग नहीं हो रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिपोर्ट वजीर आला हाउस को भिजवा दी। जाली दूध फरोश फूड अथॉरिटी के रेडार पर, आज भी 129 पॉइंट्स की चेकिंग। 1800 लीटर गैर मयारी दूध पकड़ा गया, मौके पर जाया। SOPs की खिलाफवर्जी पर 14 यूनिट्स को जुर्माने, 80 को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए। असाज़ा 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट में तौसी के लिए ख्वार। 2016 में भर्ती हुए थे। अकाउंट्स ऑफिसर्स का DEO सेकेंडरी के जनरल तौसी का ऑर्डर कबूल करने से इनकार। 5 अगस्त तक कॉन्ट्रैक्ट में तौसी ना हुई तो 150 असाज़ा की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। पंजाब टीचर यूनियन का मामला हल ना होने पर एहतजाज का ऐलान। सऊदी अरब से रिहा 19 पाकिस्तानी कैदी लाहौर पहुंच गए। कैदियों को PIA की परवाज 9248 से लाहौर लाया गया। एयरपोर्ट पर कैदियों का कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर घर भेज दिया जाएगा। उधर PIA का आशूरा के मौके पर इराक के लिए खसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। यूनिवर्सल सीरीज के आगाज से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 20% कमी। जिले सीरीज लाहौर में 1,06,000, दीगर अजला में 13,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई। सीरीज के आगाज का मकसद लाहौर से रजिस्ट्रेशन का बोझ कम करना है। शोहर दूसरी शादी के लिए रोज तशद्दुद करता है, बच्चे छीन कर घर से निकाल दिया। सेशन अदालत में खातून आबदीदा, आमना बीबी की बच्चे हवाले करने की इस्तदा। अदालत ने तीनों बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद का जमानत के लिए एंटी करप्शन अदालत से रुजू। अदालत ने 6 अगस्त को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी मजदूर के प्लॉट और दुकान पर कब्जा। मुतासरा शख्स 15 साल से अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर। सिविल कोर्ट में गर्मियों की तातीलात के बाद एक बार फिर तारीख दे दी गई। ओवरसीज सिविल और सेशन कोर्ट कचहरियों में इंसाफ के मुंतजर, कोई पुरसाने हाल नहीं। दस साल बाद भी काना काछा सब्जी और फ्रूट मंडी में फड़ियों को शेड ना मिले। मॉडल मंडी का तैयार प्रोजेक्ट बदहाली का शिकार। इंसाफ जवाकश वर्कर फेडरेशन के अहदेदारान का एहतजाज। मंसूबे में शामिल 573 फड़ियां शेड, 72 टक शॉप, 4 बोली वाले शेड, कोल्ड स्टोर, डिस्पेंसरी, मस्जिद ना बन सकी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू की मद में अरबों का नुकसान। कंट्रोलमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग काफ ने टिकटों की तकसीम के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कामिल अलियागा सरबरा होंगे। इंजीनियर शहजाद इलाही, जावेद इकबाल गुराइया, नवीद आशिक जयाल और दीगर कमेटी में शामिल। PDMA को बहरानों से निपटने के लिए कितना बजट मिला, पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा। 2020-21 में 1,48,10,19,000 का बजट दिया गया। गाउन, हिफाजती ऐनक, फेस मास्क, हिफाजती दस्ताने, हैंड सैनिटाइजर्स खरीद। तहफ्फुज़े इस्तेहकाक बिल आज दोबारा पंजाब असेंबली में पेश होगा। स्पीकर की अराकीन को बिल की मंजूरी के लिए ऐदान में रहने की हिदायत। गवर्नर ने बिल को मुस्तरद करके स्पीकर असेंबली को भिजवाया था। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजीर कानून के घर आमद।
गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन शाह की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल। चेयरमैन हलाल अहमद शेख अहमद फारूक ने भी गवर्नर से मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर को हलाल अहमद पंजाब के इंतजामी उमूर से आगाह किया। जिन्ना अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेहतर काम कर रहा है। प्रोफेसर को अगले ग्रेड में प्रोमोट करेंगे। बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ आमिर जान की जिन्ना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला पैसा आवाम का है, लोकल परचेज का ऑडिट किया जाएगा। DGLDA का LDA सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। तमाम पैकेजेस का फिजिकल मुआयना। सड़कों की तामीर, सिविल सिस्टम और प्लांटेशन का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर ने तामीराती कामों पर तफसीली ब्रीफ किया। DC की रेस्क्यू 1122 LOS ऑफिस आमद। स्पेशलाइज्ड स्काई लिफ्ट व्हीकल। फायर ब्रिगेड के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर शाहिद वहीद कमर ने मुदस्सिर रियाज को ब्रीफिंग दी। DC ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया, जबकि DC की जेरे सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। पहले रोज की कारकर्दगी को जांचा गया। तनख्वाहों से महरूम यंग डॉक्टर्स का चंदा इकट्ठा करने का ऐलान। 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर लाहे अमल तय। म्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का मुशावरती इजलास। हुकूमत को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। थैलीसीमिया फेडरेशन सुंदस फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से वर्कशॉप। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास जहीद, प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान और दीगर की शिरकत। और पंजाब के अहसन रमजान ने पहली अंडर-17 कौमी स्नूकर चैंपियन जीत ली। फाइनल में हमजा इलियास को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 खिलाड़ी शरीक हुए।